माफिया, पॉलिटिक्स और पावर सब कुछ लेकर आ रही है रक्तांजल 2 की टीम। और फिलहाल मेरे पास सिर्फ दो ही लोग हैं इसके, लेकिन हम बहुत सारी बातें करेंगे और सबके बारे में बातें करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, है ना क्रांति? यस यस बिल्कुल, नहीं छोड़ने के लिए ही आ रहे हैं रक्तांजल सीजन 2 लेके। सो निकितन, आप बताइए, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेलर तो बहुत शानदार है इसका। जी, कोशिश की हमने कि जो जो चीजें लोगों को पसंद आई सीजन 1 में, उसी पर उसी को बेहतर करते हुए हम सीजन 2 लेकर आए। और अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा नहीं लगा, काफी अच्छा लगा, और हमने 2-3 बार देख लिया उसे। थैंक यू। क्रांति, कितना डिफरेंट है ये रक्तांजल 1 से रक्तांजल 2? अगर बिकॉज क्या होता है ना, कोई चीज जब सक्सेसफुल होती है तो एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबके ऊपर एक प्रेशर आता है कि हमें पहले से बेटर बनानी है। सो आप बताइए कितनी अलग है? प्रेशर लेके प्रेशर कुकर बनेंगे, इसलिए वो होना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ है कि इसलिए अलग है, पिछली बार आपने देखा कि वसीम और विजय का एक एक्शन रिएक्शन है जी। अगर यहाँ से एक्शन होता है, वहाँ से रिएक्शन होता है, वहाँ से होगा तो फिर यहाँ से रिएक्शन होगा जी। लेकिन इस बार उसके बीच में आप कह सकती हैं कि कंटेम्पलेशन है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इमोशन है, और फिर रिएक्शन है। तो ये 3-4 तरह के नए एलिमेंट जुड़े हैं। और ये बड़ा सा माफिया, हैंडसम माफिया क्या कर रहा है एग्जैक्टली? वही जो उसने सीजन 1 में किया था, चोला बदल जाता है, इंसान वही रहता है। सो आई थिंक जैसे क्रांति ने कहा कि जो बेसिक क्रक्स है स्टोरी का, ये दो लोग जिनकी शुरुआत हुई थी और शायद जिनका वजूद भी एक दूसरे की वजह से ही है, ये इन्हीं की कहानी आगे बढ़ती है और नए किरदार आते हैं और क्या होता है, इसी को एक तरह से इनकैप्सुलेट कर रहा है सीजन 2। और बेसिकली सोल तो वही है, यू नो वी हैव नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत रेडिकल चेंज किया है। और आपने प्रेशर की बात की, आई थिंक एज एक्टर्स हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। आई थिंक MX के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे मेकर्स के ऊपर, दैट दे ब्रिंग समथिंग फॉर द ऑडियंसेस की उन्हें एंगेज करे फिर से। हमें तो बस अपना काम करना था, एंड वी आर होपिंग दैट वी डन वेल इनफ टू प्लीज द ऑडियंसेस। जब हम ट्रेलर में या शो में ऐसे ब्लड शेड्स देखते हैं तो ऑडियंस कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती है, एज एन एक्टर जब आप लोग शूट करते हैं तो क्या फीलिंग रहती है ऐसे सीन्स के लिए? सिर्फ वो किरदार बन के रहते हैं, और अगर किरदार को लगता है कि भाई खून बहना चाहिए तो खून बहना चाहिए, वहाँ पे भूल जाते हैं कि भाई मैं क्रांति हूँ या फिर ये निकितन होंगे। अगर आप ये कहना चाह रही हैं विज़िवी अनदर कैरेक्टर, तो आई थिंक जैसे इसने कहा कि जब हम उस कैरेक्टर में होते हैं, वी हैव टू डू राइट बाय द कैरेक्टर। और कभी कभी होता है ऐसे कि जब आप एक इमोशनल सीन कर रहे हैं या आपका साथी, इवन दो यू नो द ब्लड इज़ फेक और खून में लथपथ है, तो यू गेट इमोशनल, बट दैट्स आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक हम में से कोई भी इतना भावुक होता है, वी डू आवर जॉब एज अ जॉब। Tell me something about behind the scene, जब आप लोग शूट करते इतने सीरियस सीन्स, कैसे डील करते थे आप लोग और क्या क्या मस्ती होती थी सेट पे? क्रांति स्टार्ट। मेरे सीन्स इनके साथ कम ही हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग वक्त नहीं है ना आप लोगों के सीन्स या हैं? जानने के लिए देखें रक्तांचल सीजन 11 फरवरी को। तो मेरे इतने सीन्स नहीं है, मेरे ज़्यादा सीन्स आशीष सर के साथ थे, करण के साथ थे, जैसे माहिन जी के साथ भी मेरे सीन्स नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक तो बनारस ऐसी जगह है जहाँ पे आप बार बार उसको वहाँ जाके जीना चाहते हैं, उस शहर को जीना चाहते हैं। और पिछली बार जब हमने सीजन 1 किया था तो बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल था, तो तब के खाने में बहुत अलग मज़ा था। सीजन 2 में लिट्टी चोखा बहुत खाया वहाँ पर। वो तो आपका फेवरेट होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। निकितन, आपने क्या किया बिहाइंड द सीन वाली बताइए? मेरा ट्रैक अलग थोड़ा था, ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट, मेरी गैंग, मेरी पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शॉट स्टार्ट होने के 5 सेकंड पहले तक हमारे जो डायरेक्टर हैं रितम श्रीवास्तव और मेरी कुछ ना कुछ हर रोज़ मस्ती ऑन हो रहती थी, और जहाँ टेक स्टार्ट हुआ वी आर इन टू इट, और कट होते ही वापस वही मस्ती मेरी DOP और डायरेक्टर के साथ। सो आई थिंक आई लाइक टू वर्क लाइक दैट, मैं ज़्यादा सीरियस होकर काम नहीं कर पाता।